हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन टैरो 888। और मैं आज जिस टॉपिक पे रीडिंग करने वाली हूँ वो है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी। अब उसका कांटेक्ट होता है, आपका नया कांटेक्ट होता है, मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में। जो भी टैरो में आएगा वही मैसेज मैं आपको दूंगी। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप मुझसे। कोई भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, तमाम अपनी सिचुएशन में फिट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। एंड गाइस, आज के लिए मुझे वीडियो बनाने में बहुत मसला रहा, क्योंकि मेरे मोबाइल का लो स्टोरेज का मसला चल रहा है, तो मुझे बार बार वीडियो जो है बनानी पड़ी है। सो अब लास्ट टाइम मैं कर रही हूँ, मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त किस एनर्जी के अंदर है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त किस एनर्जीज के अंदर हैं, क्या एनर्जीज है उनकी। लास्ट शफल, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रेस्टिस, सेवन ऑफ, एट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ गाइस मैं देख पा रही हूँ कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा फोकस है उनका अपने पेंटिकल्स के ऊपर, अपने जॉब बिजनेस में वो किसी भी कोई भी काम करते हैं। बैकग्राउंड वॉइस को ऑन जो है प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। तो मैं देख पा रही हूँ कि नाइट ऑफ वैंड्स आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि उनसे ये चीज़ बर्दाश्त हो नहीं रही है। आई थिंक मुझे यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें और क्या ना करें। हाई प्रेस्टिस से हर चीज़ को बैठ के वो बैलेंस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में हैं। वो समझ रहे हैं इस रिश्ते में ऐसा कुछ छुपा हुआ है जो कि उनको नज़र नहीं आ पा रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, एनर्जी में वो आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन आसपास के लोग हैं जो जिनसे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनके अंदर इतनी पावर आ नहीं पा रही कि वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकें, जबकि कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन का कार्ड होता है एट ऑफ वैंड्स का, जो कि हमें बता रहा है अभी तक जो मेरे पास एनर्जीज आई हैं वो आई हैं सोर्ड्स की एनर्जी और पेंटिकल की एनर्जी है मेरे पास, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, ठीक है। सो अब हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के इस वक्त एनर्जीज तो हमने चेक कर ली हैं, फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, सेवन ऑफ वैंड्स, द टावर, द चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस वक्त उनकी फीलिंग्स हैं कि वो आपकी तरफ एक स्टेप आगे लेना चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, कोई बात है ऐसी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, ठीक है। सडनली कोई टावर मोमेंट आपके रिलेशनशिप में आया है, ठीक है, सही और गलत में फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखें द चैरियट का कार्ड है और यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं दोनों की तरफ से, वो सोच रहे हैं कहाँ पे किसकी क्या गलती थी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपने इमोशन बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं, आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड आया है, लेकिन आने वाले लोगों की बातों से, कोई इन्फ्लुएंस से डर रहे हैं कि अगर मैं ये स्टेप लेता हूँ तो पता नहीं कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर होगा नहीं होगा। इस वक्त बहुत बैलेंस की कंडीशन में है वो, बैठ के जो है वो सोच रहे हैं और आपकी तरफ स्टेप लेना चाह रहे हैं, लेकिन आने वाले हर्डल से वो डर रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि अगर ये सिचुएशन है सारी तो मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि नेक्स्ट स्टेप उनका मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होगा। लास्ट शफल, ओके, फोर ऑफ कप्स, द सन, ऑल राइट, एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, ओके।
बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है मेरे पास द वर्ल्ड का कार्ड है द हायरोफेंट. वेरी गुड. अच्छा जी देखें ऑल ओवर रीडिंग में अभी जो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा वो कंडीशन में है. बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास आया था द वर्ल्ड का कार्ड, लेकिन यूट्यूब पे रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती हैं जिसकी वजह से मैंने उसको हाइड कर दिया है. तो मैं इन फ्यूचर देख रही हूँ कि कमिंग डेज में आपकी तरफ एस ऑफ वैंड्स आएगी, पावर आएगी उनके अंदर, इनकरेज करेंगे वो इस रिश्ते को हैंगमैन की सिचुएशन से निकल के एस ऑफ वैंड्स आपकी तरफ ज़रूर कमिटमेंट करेंगे, क्योंकि वो उनके पास जो ऑफर्स आ रही हैं वो उस वक्त उसको एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नज़र मुझे नहीं आ रहे, बिल्कुल पोजीशन में मुझे नज़र नहीं आ रहे, किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं. एक चीज़ मुझे और यहाँ पे जो नज़र आ रही है वो हो सकता है कि आपके रिश्ते के जो मेन हर्डल आ रहा है वो एज फैक्टर आ रहा है. आई थिंक आपकी एज ज़्यादा हो सकती है या उनकी एज ज़्यादा है जिसको लेके बहुत ज़्यादा वो हैंगमैन कंडीशन में हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें. लेकिन द सन की एनर्जी यहाँ पे बता रही है हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन में किसी बच्चे का इन्वॉल्वमेंट रहे जिसकी वजह से आप कनेक्ट कर पाएँ एस ऑफ वैंड के साथ. एक पावर आएगी उनके अंदर जो कि वो तमाम हर्डल्स को हटाते हुए आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन करेंगे. उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास साइन है वो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, एरीज लियो सैगिटेरियस भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस भी है, अर्थ साइन फायर साइन एयर साइन और तमाम साइन मेरे पास आई थिंक के मौजूद हैं, क्योंकि आपके साथ वो देख रहे हैं द वर्ल्ड, आपको अपनी दुनिया मानते हैं और आप से ही शादी करना चाहते हैं. सो यहाँ पे अभी तक की तो मैं एनर्जीज यहाँ पे देख पा रही हूँ. सडनली मेरे पास अभी कोई एक्शन का कार्ड नहीं आ रहा है. अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए. ओके, लास्ट शफल, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ फोर ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स. ओके, लास्ट वन द लवर्स. ओ माय गॉड, फोर ऑफ पेंटिकल्स. ओके सो गाइस, आपके लिए जो एडवाइस आ रही है मेरे पास उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो कि आपको बहुत ही कोई ट्रबल कंडीशन में छोड़ के गया, जिस वक्त आपको इस शख्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त इस शख्स ने आपसे मूव ऑन किया है. आप इसके साथ चाहते थे फोर ऑफ वैंड्स, आप इसके साथ एक कंप्लीट फैमिली देख रहे थे, जो कि उस सिचुएशन से उस शख्स ने उस वक्त आपको धोखा दिया और आपको छोड़ के वो चला गया, आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल कंडीशन में डाल के. और अभी आप जो है इमोशंस अपने बिल्कुल होल्ड करके बैठे हुए हैं, जबकि आप इस पर्सन के साथ आप इसको लवर मानते हैं, आप ही इसको अपना सच्चा प्यार मानते हैं, गॉड की ब्लेसिंग्स मानते हैं, कोई सोलमेट कनेक्शन आई थिंक कि आप समझते हैं इसको. तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप गॉड पे बिलीव रखिए, आने वाला वक्त अच्छा होगा. जो शख्स